हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम आदाब नमस्कार जी सारिआं नूं। मैं आ गुरमीत कौर, पंजाबी कॉर्नर ते तुहाडा स्वागत है। ते अज दी वीडियो विच आपां तुहाडे नाल शेयर करांगे जी गोभी मंचूरियन दी रेसिपी। बहुत ज़्यादा आसान है, खाण दे विच वी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जद कदे वी तुहाडे बच्चे है ना बाहर दे खाने की मंग करते हैं वी असीं बाहर खाना है जां ठेले दे खा के आउणा है जां रेस्टोरेंट च खाणा तां घरे बना के दे सकदे हो, क्योंकि जी गोभी बाजार दे विच आउण लग गई है, बहुत सोहणी गोभी आ रही हैगी। ते बहुत ज्यादा सौखी रेसिपी है, इहदे कोई ज्यादा आपां नूं लंबी तैयारी करन दी लोड़ नहीं। बहुत सारा समान चाहिए आपां लंबी तैयारी करन तों, झटपट बनने वाली रेसिपी है जी। बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगती है, बच्चे खास करके बहुत ज्यादा पसंद आती है। चलो जी आपां रेसिपी बनाउणी शुरू कर देंगे। तो उस तो पहला मेरी रिक्वेस्ट है, जो तुसीं अजे तक मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं करिया प्लीज सबसक्राइब कर लिओ। जे वीडियो वधिया लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भुलना। तो चलो जी आपां जिहड़ा जिहड़ा समान पावांगे नाल नाल दसी जावांगे वी किहड़ा समान किन्ना पऊगा ते किन्ना उहनूं सेक लगाउण लोड़ हैगा, सारा कुछ आपां नाल हुंदे दसांगे। चलो आपां तैयारी करदे आ जी गोभी मंचूरियन बनाउण। इहदा सब तो पहला स्टैप है जी, आपां नूं गोभी लैणी है जिहड़ी, उह ना इस तरह धो के चंगी तरह साफ करके छोटे फुल्लां दे विच कट्टणी है। फुल साढ़े ज़्यादा वड्डे नहीं होने चाहिए। तो जिहड़ी आपां गोभी लैणी है उह वधिया गुंदमी लैणी हैगी, तो निसरी जी हुई गोभी नहीं चाहिए आपां, गुंदमी जी गोभी चाहिए है। तो वो इस तरह आप छोटे फुल कर लेंगे। तो जिहड़े फुलां दा साइज है जी इहदे पीस ने गोभी दे, ज़्यादा वड्डे नहीं रखने। तो उस तो बाद इहदे विच आपां पावांगे जी कुछ समान। सब तो पहला यह मैं पाया लूण, थोड़ा जिहा लूण तुहानूं ज़्यादा लगेगा क्योंकि जे खारा घट हैगा, ये सेंधा लूण है जां पाकिस्तानी लूण है, खारा घट हुंदा हैगा। तो उस तो बाद मैं पा रही हाँ जी ये लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च है। तो तुसी इहदी जगह ना तुसी कश्मीरी लाल मिर्च ते काली मिर्च पा सकते हो, बहुत सोहना रंग आउंदा उहदे नाल। मैं सिर्फ लाल मिर्च पा रही हाँ जी क्योंकि इह मेरे कोल कश्मीरी मिर्च है नहीं गी, तो यह पहली तेज़ हुंदी इस करके मैं काली मिर्च स्किप कर दिती है। तो यह मैं पा रही हाँ जी कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर बोलते हैं इहनूं, तो यह आपां पावांगे कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च। यह आसानी दे नाल ना आपां नूं करियाना स्टोर तो मिल जाता, 3 चमच आपां इहदे पा देंगे। तो हुण इहनूं आपां चंगी तरह मिक्स कर लेंगे। तो जिहड़ा भी आपां इह समान पाया, ये जिहड़े अपने गोभी के फुल ने जां गोभी के पीस ने, इहनूं चंगी तरह लगना चाहीदा। इस तरह नहीं हैगा जी भी इक नूं फुल नूं लग गया इक नूं नहीं लग्या, चंगी तरह इहनूं आपां मिक्स कर लेंगे। थोड़ा टाइम ला दिओ तुसीं मिक्स करन ते। तो चंगी तरह मिक्स करन तो बाद जी उस तो बाद आपां नूं इहदे विच पावांगे आपां मैदा, तो मैदा पाउणा इहदे विच जरूरी है। तो यह आपां इन्ना क पावांगे जिहड़े अपने गोभी के फुल के उपर ना इहनां दी इक लेयर आ जाए, तुसीं अपने हिसाब दे नाल पा लिओ, तुहानूं पता लग जूगा भी इह किन्ना क पऊगा। 4 चमच पैणगे जी इहदे मैदे दे, मैं 4 चमच पाए सी। तो जिहड़ा अपना कॉर्न स्टार्च सी उहदे मैं 3 चमच पाए सी, तो इस करके तुसीं अपने हिसाब दे नाल पाइओ। तो हुण इहनूं आपां चंगी तरह मिक्स कर लेंगे। अजे इहदे विच मैं कोई भी पानी वगैरह कुछ नहीं पाया, पहला पाई मिक्स करांगे फिर थोड़ा जिहा पानी पावांगे। तो पानी तुसीं इस तरह ही नहीं है उल्टा देना, हाथ के उपर ना इस तरह जिस तरह मैं सिटे ला रही हाँ गी इस तरह लाउणा बस। जिहड़े ये आपां समान पाया भी ये चंगी तरह फुल्लां नूं चिपक जे, इस हिसाब नाल आपां इहदे विच उन्ना क पानी पावांगे। तुसीं इहनूं पतला नहीं करना ज़्यादा, जिस तरह आपां पकौड़े बनाउणे आ भी उन्ना पतला नहीं करना, बस हल्का हल्का जिहड़ी ये आपां पाया ना समान इहनूं आपां फुल्लां दे नाल चिपकेणा हैगा। तो जब तक तुसीं इह तैयार करोगे जी दूजी साइड तुसीं अपना तेल रख दिओ, जिहदे विच आपां इहनां नूं करांगे फ्राई करांगे। तो सरों के तेल भी कर सकते हो, जां तुहानूं तुसीं जिहड़ा भी कुकिंग ऑयल वरतदे होंगे खाना बनाउण वास्ते, जिहड़ा भी तुसीं देसी घिओ दूजा घिओ जिहड़ा भी कुछ वरतदे हो रिफाइंड वगैरह उहदे विच तुसीं खाना बना सकते हो। पर शर्त यह है कि जी ये जिहड़े आपां समान पाया है फुल्लां नूं चंगी तरह लगना चाहिए, इस तरह ना होवे अपना थल्ले रह गया। ये देखो इधर मैं रख लिया जी सरों का तेल, क्योंकि असीं जिहड़ी कुकिंग आ सरों के तेल च ही करते हैं, इसलिए मैं सरों का तेल रखिया। चलो जी इहनूं आपां गर्म करदे चंगी तरह। ये देखो जी मैं पा के देख लिया थोड़ा जहा पीस, तो सरों का तेल है जिहड़ा अपना चंगी तरह गर्म हो गया। हुण आपां इहदे विच पावांगे अपनी जिहड़ी गोभी तैयार करी है आपां, पर इस गल दा ध्यान रखना है ये कल्ला कल्ला पीस पाउणा हैगा, इस तरह ना होवे तुसीं इकट्ठा मुट्ठी भर के सिट दो, ये चिपणे नहीं चाहीदे आपस दे विच। ते कड़ाही दे विच तुसीं उस हिसाब नाल ही पाउणा, ज़्यादा नहीं पाउणे हैगे भी जिहड़ा जिन्ना क तेल हैगा आपस दे विच ये चिपणे नहीं चाहीदे जी, फिर शक तुसीं 2-3 वार च पूर कढ लिओ पर हिसाब दे नाल पायो। तो अगली गल ये है जी इन्हां नूं पाउण तो बाद जल्दी ही तुसीं कोई भी इहदे विच कड़छी झारनी कुरचना वगैरह नहीं फेरना, थोड़ा जदों इहनूं सेक लग गया ना उस तो बाद आपां इहनूं हिलावांगे। जे तुसीं जल्दी हिलाता तां जिहड़ी इहदी उपर लेयर हैगी आपां पाया ना मैदा वगैरह पाया हैगा
वो लेयर है जिहड़ी उतर के अपने तेल दे विच आजूगी, फिर नाले अपनी जिहड़ी गोभी मंचूरियन ना टेस्टी नहीं बननी, इस करके इहनू आपां जल्दी नहीं हिलाउंदे हैगे। तो इहनू आपां हुण चंगी तरह हिलाउंदे होए ना इहनू आपां गोल्डन ब्राउन होण तक पकावांगे, जद तक इहदा रंग नहीं बदल जांदा हैगा। ये देखो जी जिहड़ी साडी गोभी हैगी इहदा रंग है जिहड़ा बदल गया, मैं तुहानू लाइट ला के दिखाऊंगी हुण। ये देखो क्योंकि रसोई थोड़ा जिहा हनेरा पैण लग गया, इस तरह की आपां इहनू गोल्डन कर लेना है। जो ये गोल्डन होगी तो फिर आपां कोई भी जाली वाला भांडा लैके उहदे विच कढ लांगे, झारनी दे विच तुसीं कढ लिओ, क्योंकि जिहड़ा इहदे विच तेल होगा ना वह थल्ले रह जूगा। तो कढ के इहनू इहदे विच तुसीं हेठां कोई इहदे प्लेट जां थाल वगैरह रख लिओ ताकि तेल भी अपना सैल्फ ते ना डुल्ले। तो सारी गोभी आपां इस तरह तैयार कर लांगे। लो जी गोभी आप सारी फ्राई कर ली है, तो आप हूँ थोड़ा जहा तेल जी आप अद्धी पौनी कड़छी पावे, उही तेल जिहड़ा आप जिद गोभी तली सी, तो इनू आप गर्म कर लेंगे। तो हूँ आप सब तो पहले पावे जीरा, तो जीरे के नाल ही आपवे जी हरी मिर्च, ये बरीक कट्टी हुई हरी मिर्च है, तुम थोड़ा जहा मोटा भी कट सकते हो जिस तरह तो वधिया लगता उस तरह कट लियो। थोड़ा जहा आप हरी मिर्च में सेक लगवा लेंगे, तो नाल ही जी जो हरी मिर्च में सेक लग गया आप पा देंगे प्याज। तुसी इहदे विच अदरक लसन भी पा सकते हो, टेस्टी बनता अदरक लसन के नाल भी, पर जे बच्चे नहीं खाते जी तो फिर ना पायो। जिस तरह मेरे बच्चे थोड़ा जहा घट खाते ने, यह ना अदरक तो खा लेंगे ने, लसन में थोड़ा जहा नक मारते हैं भी लसन क्यों पाता, इस करके आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। फिर अदरक लसन बेशक तुसी नहीं पाना तो ना पायो। तो इहनू आप चंगी तरह का रंग बदल लें इन हिलाते हुए। ये देखो जी ये मेरे को है गोभी, मैं गोभी बहुत सारी तली सी पर यह इन्नी रह गई, बिल्कुल यह क्रिस्पी हैगी, हूँ आवाज सुनाई दिंदी होगी, तो अंदरों भी यह पक चुकी है तो बाहरों क्रिस्पी हैगी। बच्चे नाल हुंदे खाई गए, सिर्फ यह इन्नी गोभी बची हैगी, क्योंकि कहिंदे जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है। जे तुसीं इस तरह मंचूरियन नहीं बनाउणा कल्ले, इस तरह गोभी तलके भी खा सकते हो, गोभी के पकौड़ियां नालों भी ज़्यादा स्वाद बनती है। लो जी प्याज अपने रंग है जिहड़ा चेंज हो गया, तो हुण आपां इहदे विच पावांगे टमाटर। तो अगली गल ये है जी जिहड़ा भी ये हुंदा ना चाइनी फूड, इहदे विच आपां जिस तरह इंडियन फूड हुंदा उहदे विच आपां बहुत ज़्यादा टमाटर होया जां प्याज होया उहनू आपां बहुत ज़्यादा कुक करदे आ, पर इहदे विच थोड़ा जिहा खड़मा रख्या जांदा जिहड़ा ये चाइनी फूड हुंदा हैगा, इस करके मैं प्याज दा थोड़ा ही रंग चेंज करिया, मैं जल्दी उह टमाटर पा दित्ते ने। ते बाकी जे तुहानू इस तरह खड़े जे टमाटर प्याज नहीं वधिया लगदे तां उह तुहाडी मर्जी रहूगी, तो अपनी चॉइस का भी हुंदा है ना आपां किस तरह का खाना पसंद हैगा। तो टमाटर नूं थोड़ा जिहा सेक लग गया जी, हुण आपां इहदे विच पावांगे हैगे रैड चिल्ली सॉस, तुसीं किहड़ी जो भी तुहाडे कोल कंपनी मिलदी है तुहानू बाजार चों लै लिओ, तो इस तरह छोटी बोतल लैके रख लिया करो तुसीं, क्योंकि वड्डी बोतल खराब हो जाती है, छोटियां बोतलां सस्तियां पैंदियां ने। तो जिहड़े जदों भी सॉस लैणी है ना छोटी बोतल लैके रख लिओ। ये हैगा जी रैड चिल्ली सॉस, तो दो चमच भर के मैं ये पा दिते ने, जिहड़ी भी कंपनी की मिलेगी तुसी लै लिओ, कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी। तो चंगी तरह इहनू आपां मिक्स कर लांगे, तो नाल ही हुण पावांगे जी आपां टमैटो सॉस। ये ना बिल्कुल ऑप्शनल है, जे तुहानू चाहे वधिया लगता है ना थोड़ा खट्टा मिठा टेस्ट आवे तो तुसीं दो चमच इहदे भर के पा दिओ, जे तुहानू नहीं लगता भी नहीं इहदे बिना इन्ना ज़्यादा असीं सॉस नहीं पाउणी तो छड्ड दिओ तुसीं इहनू, टमैटो कैचअप तुसीं स्किप कर सकते हो, तो तुसीं कल्ली रैड चिल्ली सॉस नाल बना सकते हो। तो हुण आपां इहदे विच पावांगे जी डार्क सोया सॉस, जे तुहानू वधिया लगदी तां इह तुसीं जरूर पाइओ, दो चमच भर के पावांगे। उंजे इह मंचूरियन दे विच पैंदी पैंदी है जी, पर जे तुसीं नहीं इहनू पाउणा चाहुंदे है ना तां तुसीं स्किप भी कर सकदे हो, तां तुसीं इहदी जगह ना दो चमच नींबू रस पा सकदे हो, दो चमच सिरका पा सकदे होंगे,
ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਰੂਨ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੋਕਲੇਟੀ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਭੀ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੋਭੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੋਭੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਟੇਸਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਗਾੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜਾਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਨੀ ਕੜਾਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੌਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜੇ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਏ।